नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता राजेश जोशी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, भारतीय फिल्म के मशहूर एक्टर राजेश जोशी, इनके जीवन परिचय के बारे में बता दूं। राजेश जोशी एक फिल्म अभिनेता और थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिन्हें रंगीला जो कि 1995 में आई थी और फिल्म सरफरोश जो कि 1999 में आई थी, कमशा पाक्या और बाला ठाकुर की भूमिकाओं के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। राजेश जोशी का जन्म 31 जुलाई 1968 को गुजरात भारत में हुआ था। राजेश जोशी की पत्नी का नाम फाल्गुनी जोशी और इनके भाई प्रसिद्ध एक्टर जिन्हें हम सभी जानते हैं मनोज जोशी। राजेश जोशी के पिता का नाम नवनीत जोशी था, उनके बड़े भाई मनोज जोशी, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। राजेश जोशी का जन्म उत्तरी गुजरात में हिम्मतनगर के पास अतपोद्रा गांव में हुआ था। राजेश जोशी मनोरंजन उद्योग में अपना करियर तेलुगु फिल्म उद्योग में एक बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की। राजेश जोशी को एक अभिनेता के रूप में बड़ा ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1991 में हिंदी फिल्म दो मतवाले में एक प्रमुख भूमिका मिली। 90 के दशक के दौरान कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शो में दिखाई दिए। राजेश जोशी के कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शनों में से है फूल और अंगार, इसमें उनकी भूमिका बेहद पसंद की गई थी, जिसमें उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। राजेश जोशी टीवी श्रृंखला तारा में दिखाई दिए, जिसे भारतीय टेलीविजन उद्योग में एक ट्रेंड सेटर माना जाता है। दोस्तों, आमिर खान की सुपरहिट फिल्म रंगीला को हम सभी जानते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि अगर आप राजेश जोशी को अच्छी से पहचानना चाहते हैं, तो रंगीला फिल्म जरूर देखिएगा। रंगीला का क्लाइमेक्स सीन जब मुन्ना का सबसे अच्छा दोस्त पक्या मिली को बताता है कि मुन्ना उसके लिए अपना बेमिसाल प्यार छिपाकर हमेशा के लिए जा रहा है, उस संवाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने भी रंगीला देखी होगी वो कभी नहीं भूलेगा। और यही उस अभिनेता का जन्म हुआ जिसमें अपार प्रतिभा थी, और अगर वो अब तक जीवित होते तो हमें उनके द्वारा अभिनीत और भी अद्वितीय भूमिकाएं देखने को मिलती। मात्र 29 वर्ष की अल्प आयु में राजेश जोशी का निधन हो गया। राजेश जोशी भी थिएटर से थे, उन्होंने और उनके भाई मनोज जोशी, जी हां दोस्तों, आज के प्रमुख और मुख्य अभिनेताओं में से एक है मनोज जोशी। मनोज जोशी के भाई ही थे राजेश जोशी। दोनों ने मराठी थिएटर में काम किया। राम गोपाल ने उन्हें द्रोही, जी हाँ दोस्तों, नागार्जुन की फिल्म जिसे राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था, जो कि 1992 में आई थी, इससे इन्हें ब्रेक मिला। फिर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें फिल्म रंगीला में कास्ट किया, जिसने उन्हें वास्तविक मंच पर प्रदर्शित किया। फिर उन्हें मुख्य धारा में प्रस्ताव मिलने लगे। सरफरोश, जी हाँ दोस्तों, आमिर खान की सुपरहिट फिल्म सरफरोश में उन्होंने ठाकुर के रूप में अपने अभिनय से लोगों का मनोरंजन किया। राजेश जोशी की मृत्यु 12 जनवरी 1998 को एक कार दुर्घटना में हो गई। कार दुर्घटना 11 जनवरी 1998 को हुई थी। अस्पताल में एक दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनकी उम्र मात्र 29 साल की थी। राजेश जोशी की कुछ फिल्में और सीरियलों के नाम जिसमें उन्होंने अपनी यादगार छाप छोड़ी, एंथम 1991, रंगीला 1995, इसमें पाक्या के रूप में थे,
तेरे मेरे सपने 1996 इसमें ज्योतिषी के रूप में थे, अफलातून 1997 अक्षय कुमार की फिल्म थी और इसमें वो अक्षय कुमार के दोस्त बने थे, सत्या 1998 में आए इसमें बापू के रूप में थे, सरफरोज आमिर खान की सुपरहिट फिल्म जो कि 1999 में आए इसमें वो बाला ठाकुर के रूप में थे, लावारिस 1999 खौफ 2000। दोस्तों एक बार राजेश जोशी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। राजेश जोशी का जन्म गुजरात भारत में हुआ था 31 जुलाई 1968 को। इनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी जोशी और इनके भाई का नाम मनोज जोशी। राजेश जोशी की मृत्यु 12 जनवरी 1998 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। ये अभिनेता थे, इन्होंने कई सारे नाटकों में काम किया और फिल्म का निर्माण भी किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।